बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित और मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। तमाम दिन भर की बड़ी खबरें लेकर हम आपके साथ मौजूद हैं और खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात। अपनाए 90 वर्षों से इंडिया की नंबर वन औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। टीवीएस स्पोर्ट माइलेज का बाप। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं आयुर्वेदिक औषधि है। गीतांजलि पोहा, आखिर बात तो बस क्वालिटी की है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग खत्म। देश की 102 सीटों पर 63% मतदान। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर 65% मतदान। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की बस्तर सीट के लिए वोटिंग खत्म। 68% से ज्यादा हुआ मतदान। नक्सल प्रभावित इलाकों से लौटे मतदान दल। एमपी के दमोह में पीएम मोदी की सभा। पाकिस्तान पर बोला बड़ा हमला का, जो आतंक का सप्लायर था अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। भारत में युद्ध स्तर पर काम करने वाली सरकार जरूरी। विदिशा रायसेन लोकसभा सीट से सीएम शिवराज ने दाखिल किया नामांकन। बोले राहुल तो चले गए वायनाड, हम यहीं रहेंगे मरेंगे। कांग्रेस का विसर्जन तक। और उड़ीसा में महानदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 2 लोगों की मौत, 7 लापता। नाव में सवार थे 50 यात्री। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। आज लोकतंत्र का महापर्व और बढ़ चढ़कर लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग दिया, मतदान करने के लिए गए और इसी के साथ लोकसभा के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हुई। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेस है। अब तक के आंकड़ों के हिसाब से सबसे ज्यादा वोटिंग की अगर बात कर ले तो देखिए बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई। तो आज लोकतंत्र का महापर्व और देखिए आज हर जानकारी सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं, हर तस्वीरें आपसे रूबरू करा रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें एमपी और छत्तीसगढ़ और सबसे कम वोटिंग की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि आपने सबसे ज्यादा वोटिंग की बात की तो सबसे कम वोटिंग बिहार में हुई है। 46.32% वोटिंग, सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई है। 21 राज्यों में वोटिंग का जो एवरेज है अगर कहें तो 63% रहा है। वोटिंग के दौरान मणिपुर के विष्णुपुर में फायरिंग की घटना भी हुई, बंगाल के कूच बिहार में हिंसा हुई है और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में जवान घायल भी है। तो देखिए लोकतंत्र का महापर्व और कुछ सुखद तस्वीरें भी आपने दिखाई, आपको दिखाई 102 सीटों पर आज मतदान हुआ और अपने अपने अधिकार का लोगों ने प्रयोग किया। बढ़ चढ़कर 21 राज्यों में आज 102 सीटों पर मतदान हुआ। तो देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी सीधी से वोट करते हुए राजेश मिश्रा, नकुलनाथ को भी आप देख रहे हैं। तो ये एमपी की तस्वीरें हैं आपके सामने प्रत्याशियों की, जिन्होंने आज अपने अपने मत का प्रयोग किया, अपने अपने अधिकार के लिए वोट डालने के लिए पहुंचे। देखिए नकुलनाथ को आप देख सकते हैं, कांग्रेस प्रत्याशी छिंदवाड़ा, बालाघाट की बीजेपी प्रत्याशी को भी आप देख सकते हैं भारती पारधी, तो कमलेश्वर पटेल भी आपको दिखाई दे रहे हैं, सीधी से कांग्रेस के प्रत्याशी है और कमलनाथ बीच की तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं छिंदवाड़ा में वोट डालते हुए। आशीष दुबे जबलपुर में बीजेपी के प्रत्याशी वोट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और फग्गन सिंह कुलस्ते देखिए मतदान करने के लिए गए थे बीजेपी के प्रत्याशी मंडला से और राज्यसभा के सांसद जबलपुर से विवेक तनखा अपने वोटिंग अधिकार का प्रयोग करते हुए। दिनेश यादव जो कि जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करते हुए। तो ये एमपी के प्रत्याशियों की तस्वीरें आपने देखी जो पहले चरण का रण में आज जो प्रत्याशी मैदान में थे। और ये देखिए आप तस्वीरें आप छत्तीसगढ़ की, ये बस्तर से कवासी लखमा आपको नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर में आप देखिए मोहन मरकाम मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों के साथ और तीसरी तस्वीर भी आप देखिए जगदलपुर से आपको दिखा रहे हैं। तो ये तीनों ही तस्वीरें छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं प्रत्याशियों की। कोंडा गांव से दूसरी तस्वीर आपके सामने, तो जगदलपुर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव यहां पर
अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करते हुए। तो बस्तर, कोंडागांव और जगदलपुर, ये तीन तस्वीरें आप देखिए। छत्तीसगढ़ में आज एक सीट पर मतदान था और वो सीट बस्तर की थी फर्स्ट फेज में। तो तीनों ही तस्वीरें आपने छत्तीसगढ़ से देखी हैं। छत्तीसगढ़ का अगर समीकरण की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आज बस्तर एक ही मात्र सीट थी जहां पर बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल 9 सीटें हैं बीजेपी के पास, 2 कांग्रेस के पास और बस्तर सीट जो कि फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है क्योंकि 2019 में दीपक वैस यहां से जीत गए थे। और आज बस्तर की जनता ने एक बार फिर से अपने अपने अधिकार का प्रयोग